हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 28 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 17 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर्म भरने में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास के बेसिस पे यानी कि 10वीं पास के बेसिस पे ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप 10वीं क्लास पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। पर दोस्तों अप्लाई करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने भी वो गलती कर दी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हो तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको वो एक गलती नहीं करनी है जो बार बार सभी कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी भर्ती की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipsworldbus.xyz। दोस्तों यहां पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप 10वीं क्लास पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है तो आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की हो, पोस्ट ऑफिस की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, सभी भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में जो कि निकाली जा रही है खुफिया विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों भर्ती की पूरी जानकारी भी देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी खास होने वाला है। दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से निकाली जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आईबी का नोटिफिकेशन सीधा आईबी की तरफ से ना निकाल करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए की तरफ से निकाला जाता है, ठीक है। वहीं यहाँ पर जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं नंबर वन जो वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। वहीं नंबर टू जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 1675 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों सभी अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो आप भारत में किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा इस भर्ती के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी की बात की जाए तो कम से कम 21,700 से लेकर के लगभग 70,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। तो सैलरी काफी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए का चार्जेस है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यू फीमेल्स के लिए 50 रुपए का चार्जेस है जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, वो भी आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो आईबी की इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। वही मैक्सिमम जो है 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं तो आपको आईसीएमए में छूट का बेनिफिट भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों आईबी खुफिया विभाग की इस वैकेंसी के लिए आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो केवल सीबीडी बेस्ड एग्जाम रहेगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। टायर 1, 2 और 3 तीन प्रकार के आपके एग्जाम हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल 10वीं पास 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास पास है तो आप 100% इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। वही बात करते हैं आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है, 28 जनवरी से। लास्ट डेट जो है 17 फरवरी 2023 से अप्लाई करने की। दोस्तों यहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वही दोस्तों यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहां पर जानकारी दे रखी है। यहां पर जो भी डेट्स है जैसा कि आवेदन 28 जनवरी से 17 फरवरी रात के 12 बजे तक लगभग चलने वाले हैं। वही दोस्तों ऑफलाइन जो आप पेमेंट करते हैं वो 21 फरवरी तक आप कर सकते हैं बैंक के वर्किंग टाइम के अंदर, ठीक है।
वही दोस्तों यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, तो अप्लाई करने से पहले आप जो है इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है हेयर पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी भर्ती है कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अमृतसर पंजाब से कौन सी वैकेंसी है, चंडीगढ़ में कितनी है, चेन्नई में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, जयपुर में कितनी है, कोलकाता में कितनी है, मेरठ में कितनी है, शिलोंग में कितनी है, मतलब राज्य के अनुसार यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दे रखी है। वही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिल रही है, ठीक है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पर्टिकुलर एक पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बट उससे पहले दोस्तों अप्लाई करने का पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है कि आपकी फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करनी है, आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है कैसे अपलोड करने हैं, दसवीं की मार्कशीट लगानी है आपको यहाँ पर, आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर कौन सी साइज में आपको अपलोड करना है, क्या प्रॉपर्टी साइज रहना चाहिए। वही दोस्तों फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है वो सारी जानकारी है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो किस कारण से होता है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही दोस्तों आपको चेकबॉक्स को नीचे आकर राइट करना है और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है, उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आप क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपके सामने आ चुका है ऑनलाइन फॉर्म जिसको आपको फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम पूछा जा रहा है, आपका नाम टाइप कर दीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना है, आपको दो बार डालना है, आपका ईमेल आईडी भी दो बार आपको टाइप करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपसे दो बार मांगा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है, क्या आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, यस तो यस, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डोमिसाइल राज्य कौन सा है, यानी कि आप कौन से राज्य से बिलोंग कर सकते हैं, करते हैं, आपका मूल निवास क्या है, वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहां पर भी आपको लगता है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि अगर आपके कोई भी इस वैकेंसी यहां पर इस डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है तो वो आप बता सकते हैं, कैटेगरी क्या है आपकी वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप पोस्ट अप्लाई अगेंस्ट, आपने कभी अप्लाई किया इस पोस्ट के तो यू आर डाल दीजिएगा, पोस्टल कोड आपको यहां पर डालना है, उसके बाद यहां पर आपको कैप्चा कोड को टाइप करना है और फॉर्म को जो है सबमिट करना है, इस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर लॉगिन करना है, ठीक है, लॉगिन कैसे करना है वो आपको बता देते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर चेकबॉक्स को राइट करना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का सेक्शन आएगा, यहां पर आईडी और पासवर्ड आपने जो बनाया था वहां पर डाला था वही आपको टाइप करना है, उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड को टाइप करके आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद में आपको आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पूरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका एड्रेस जानना है, क्वालिफिकेशन डालनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देनी है और आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद में, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले पेमेंट करना है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप एक बार फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा अप्लाई करने का प्रोसेस इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।